से मिट्टी अपनी उर्वरता खो रही है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की खपत बढ़ते फसलों का उत्पादन भी साल दर साल कम हो रहा है। इससे फसल उत्पादन बढ़ाने वाले मिट्टी के जीवांश भी नष्ट हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान प्राकृतिक खेती के रूप में निकाला गया है। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती या गाय आधारित खेती भी कहते हैं, क्योंकि इस खेती में रसायनों की जगह गोबर से बनी खाद और गोमूत्र आधारित कीटनाशक का इस्तेमाल होता है। गाय पालने वाले किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इस खेती में देसी बीजों का इस्तेमाल होता है जो पिछली उपज से बचाकर रखे जाते हैं। तभी तो फसल उत्पादन की लागत को कम करने वाली प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक और सरकार भी बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती से फसलें उगाने की ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए भी किसानों को तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों को निशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जा रही है। यदि आप भी मध्य प्रदेश के किसान हैं और जीरो बजट प्राकृतिक खेती से जुड़ना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसान चाहे तो ई मित्र केंद्र या CSC सेंटर की मदद से भी पंजीकरण कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन विंडो दी गई है, जहां किसान अपनी डिटेल भरकर आसानी से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। देश में प्राकृतिक खेती से सबसे बड़ा रकबा आंध्र प्रदेश में कवर हो रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के किसान अब प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाने लगे हैं। राज्य में 31,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती के लिए अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देशानुसार अब से कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती को अनिवार्य कर दिया गया है। नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज़।